वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समूह हकां नाल हकां लई लड़न वाले लोग इंसाफ पसंद अणख गैरत वाले लोगों की तो गुरु नानक साहब के जिहड़ा फलसफा आ ते गुरबाणी दे विच गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच दुनिया की एक नवेकली जिहड़ी गल कीती आ इस तों पहला इस धरती दे उत्ते औरत नूं बराबरी का दर्जा नहीं सी दिता गया। सो गुरु साहब ने बहुत वड्डा मान सन्मान जिहड़ा औरत नूं दिता ते जिहड़ा ओ सिर उच्चा करके मान नाल रह सके। पर अज दे हालातां दे विच पंजाब जिहड़ा गुरां दे नाते वसदा सी जिथे खालसा पंथ की साजना हुई ते दब्बे कुचले लोकां नूं सरदारियां बख्शिश कीतियां कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अज उस पंजाब की धरती दे उत्ते साडियां धीआं नाल बलात्कार हो रहे ने ते बलात्कार वो बंदे कर रहे ने जिहड़े स्टेट दे विच अपने आप नूं सन्मानयोग हस्तियां दसदे ने ते दूजा जिन्हां ने हर थाने की हद दे उत्ते लिख के लाया हुंदा है कि इंसाफ लई साडे नाल संपर्क करो। सो जदों इंसाफ लई उन्हां नाल संपर्क किया गया तो उल्टा जदों ये कहानी सामने आई तो इहदे विच स्टेट की पुलिस के तीन जिहड़े कर्मचारी सन ओ ते कुछ सट्टे बाजार वाले ते कुछ एक होर बाजार दे विच बंदे तांत्रिक टाइप ते इन्हां सारिआं ने रल के समूहिक बलात्कार इस कुड़ी नाल कीता बंदी बना के रखिया। उस तों बाद 17 साल दे लड़के नाल उस परिवार नूं पैसे दे के जबरी विआह उस कुड़ी दा कीता। उस तों बाद धक्के नाल रिवालवर कन्न पट्टी दे उत्ते रख के इस कुड़ी ते 164 दे बयान करवाए गए। सारिआं हदबन्ने टप के लम्मा समां कुड़ी नूं इस तरीके नाल तशद्दद भी कीता गया ते उहदे नाल कुकर्म भी कीता गया। सो अज दे हालातां दे विच ये जिहड़ी धी आ संदीप कौर इहदे नाल इन्ना ज़्यादा धक्का होया कि मैं कहना भी साडा जिहड़ा खालसा पंथ आ साडी रवायत आ असी दूजिया धर्मां दूजे कौमां दे दूजे स्थानां तों जिहड़ियां धीआं मुगल बन के लै जांदे ने उहनां नूं छडाउण लई असी लखां शहादतां दित्तियां ने ते अज मैं खालसा पंथ दे चरणां च बेनती करना कि इस धी नूं जिहड़ी कि बरनाले दे सिविल हॉस्पिटल दे विच जेरे इलाज आ ते इन्हां नूं हर तरह नाल धमकाया जा रहा है। पुलिस भी इन्हां नूं धमका रही है। इत्थों तक पुलिस कहिंदी है कि असीं मावां धीआं दीआं ले जा के सी आई स्टाफ दे विच लत्तां तोड़ांगे। कमेटी वालिआं नूं कहा गया कि तुहाडे ते केस रजिस्टर करांगे। सो जिहड़े आम लोग ने उह डरदे मदद तों वी भज रहे ने कि किते पुलिस सानूं टॉर्चर ना करे साडे ते केस ना पा दे। सब तों खतरनाक गल इह आ कि पंजाब दे इक मन्ने परवन्ने इंसाफ पसंद जिहड़े SSP ने जिन्हां नूं इह समझिआ जांदा कि उह बहुत ईमानदार ने तां उहनां ने इक बहुत वड्डी स्पीच दित्ती सी नशिआं दे उत्ते जिहदे करके उह पापूलर होए सन। सो मैं उहनां नूं वी इह अपील करदा कि इस बेटी ने जिहड़े मजिस्ट्रेट दे सामने बयान दित्ते ने जिहड़े बंदे दे विच दोषी ने सिद्धे सिद्धे उहनां बंदिआं दे किते ना किते सरकारी दरबारे ते पोलिटिकल अप्रोच करके उहनां बंदिआं नूं अरैसट नहीं कीता जा रिहा। सो मैं दुनिया की हर एक उस इंसाफ पसंद धिर नूं बेनती करना कि किसी भी जात धर्म पोलिटिकल रुतबे तो उपर उठ के इस धी की संदीप कौर की अपनी धी समझ के जिदे नाल एक बड़ा वड्डा कुकर्म होया आ इहनूं इंसाफ दवाउण लई हर हीला वरत्या जाए। कल नूं बरनाले दे विच इक धरना भी आ। सो असी अगे इस कमेटी नाल सलाह करके इस संघर्ष नूं पंजाब लेवल ते नहीं इंडिया लेवल पर लेके जावांगे। पूरी दुनिया के जिथे भी सिख वसदे ने जिहड़ियां भी साडियां वड्डियां संस्थावां ने साडे वकील ने साडे ह्यूमन राइट्स ने उन्हां सारिआं दे चरणां विच मेरे वल्लों हथ जोड़ के बेनती आ कि इह इहनां दी नहीं साडी धी आ तां इस साडी धी नाल जिहड़ा एडा वड्डा कुकर्म होया इहदा इंसाफ इस बेटी नूं दिवाउण लई इस परिवार ने यह गल कही है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं हाजर नाजर जाण के गल कहिंदे आ असीं मर जावांगे झुकदे नहीं सानूं इंसाफ चाहीदा। रो रो के माँ का बुरा हाल होया पाया ये जिहड़ी धी आ इहनूं इन्ना डराया गया यह खाखी वर्दी वेख के चीका मारन लग जांदी आ इन्ना इहदा बुरा हाल आ। सो इस धी तो हर बार मैं सारिआं नूं यही अपील करांगा कि कोई भी प्रैस वाला कोई भी साडी संस्था वाला इहनूं इहदी वित्ती कहानी ना पुछे। ये बहुत ज़्यादा सदमे च साडी धी जिहड़ी आ। सो मैं
सारी कौम सारे पंथ हर एक वर्ग हर एक उस इंसाफ पसंद मैं उन्हां लीडरां नूं जिन्हां दा पंजाब दे विच जिहड़े इंसाफ लई लड़दे ने जिहड़े बैंस ब्रदर ने खैरा साहब ने गांधी वर्गे ने इस एरिए दे सांसद ने भगवंत मान वह कित्थे ने अज भगवंत मान हुणी उन्हां दे एरिए दे विच एड्डी वड्डी घटना हो गई आ उन्हां नूं आके इहदे विच दखल देना चाहीदा ते जिहड़े दोषी ने उहनां नूं सजावां देणी चाहीदियां ने ते जिहड़े इंसाफ पसंद लोक ने बैंस ब्रदर ते खैरा साहब जिहड़े हर उस पीड़त दी बाह फड़दे ने उन्हां नूं वी बेनती आ कि आके इस परिवार की सार लईए इन्हां नाल खड़िया जाए मेरी यही अपील आ लास्ट तक इन्हां नाल खड़ांगे ते जिन्ना चिर इस धी नूं इंसाफ नहीं मिलता उन्ना चिर इस परिवार के नाल असीं बिल्कुल हर हाथ च खड़ांगे जिहदा जी करदा साडे नाल आके इस कमेटी च वादा कर सकदा इन्हां नूं सहयोग दे सकदा हर तरह का इन्हां दा सहयोग किया जाए बहुत गरीब परिवार है लॉकडाउन के जून तो लैके हुण तक इस धी नाल बहुत वड्डा धक्का होया यारो मैं तुहानूं दस नहीं सकता बयान नहीं किया जा सकता साडी धी आ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਲਿਓਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।